हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शेप योर स्टडी। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का थर्ड यूनिट मैं पोस्ट कर दूंगी, तो टुडे आई एम गोइंग टू पोस्ट द थर्ड यूनिट, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आजकल हर एक इंसान, गांव हो या शहर हो या शहर का कोई भी कोना हो या वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, वहाँ से कोई भी कंप्यूटर नॉलेज से छूटा नहीं है। ये पूरा चैप्टर ही कंप्यूटर बेस्ड है जो आजकल हम लोग देखते हैं, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे नए हैं, न्यूली मुझे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने यूनिट वन यूनिट टू इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डाल दिया है। यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के कंटेंट्स है बच्चों, इसके लिए बुक की कोई ज़रूरत नहीं, आप कंटेंट पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बिफोर वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देखिएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि ये ICT के नाम से बहुत फेमस है। किसी किसी स्कूल में बैंकिंग की जगह पे ICT ही क्या होता है, एक ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर दिया हुआ ICT। ICT का फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT रिफर्स टू ऑल मेथड्स टूल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग रिकॉर्डिंग। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ICT क्या रेफर करता है, कि टूल्स हैं किससे रिलेटेड है, स्टोरिंग रिकॉर्डिंग सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। आपको दे देगा यहाँ पे जैसे कि एग्जीक्यूटिंग डिस्प्लेइंग, तो आप लोगों को बस यही आपको अंडरलाइन करना है, स्टोरिंग रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। आप अपने साथ हाईलाइटर नोट कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी क्वेश्चंस वहां से अक्सर पुट होते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर भी बोलूंगी कि पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लीजिएगा। ICT स्किल हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हैंस एवरी पर्सन नीड्स टू एक्वायर ICT स्किल्स। मैंने पहले ही बताया, आजकल कंप्यूटर से या इंटरनेट से या एंड्रॉयड फ़ोन से लैपटॉप से कोई भी अछूता नहीं है, सबको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में, कुछ ज़्यादा जानता है कोई कम जानता है, बस इतना सा फ़र्क है। दूसरी चीज़ होती है, कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, डेस्कटॉप होता है, उसके बाद कीबोर्ड होता है, CPU होता है, तो ये सारी चीज़ें, प्रिंटर होता है, माउस होता है, तो जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना स्टार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिससे कि कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट टू मेन पार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिजिकल पार्ट को जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कीबोर्ड मॉनिटर CPU। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर, दो वी कैन सी इट मेक्स द हार्डवेयर वे वर्क द वे वी वॉन्ट, ठीक है ना। यह हार्डवेयर को ऑपरेट करता है कि हार्डवेयर किस तरीके से काम कर सके। द मॉनिटर इज अ फिजिकल डिवाइस और द हार्डवेयर, वेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल अ गेम, इट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, दिस इज डन बाई सॉफ्टवेयर विच डिस्प्लेज टेक्स्ट इमेज एंड वीडियोज ऑन द मॉनिटर एज सोन इन फिगर 3.2। 3.2 में देखिएगा, जैसे हम लोग कुछ इनपुट करते हैं तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये किससे होता है आपका, AOS ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आर ऑल्सो कंप्यूटर सिस्टम विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो पता ही है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया। और जो जैसे दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज आप जैसे स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल को, ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर Ubuntu, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड macOS। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो आपको नाम दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन से नाम हैं। मोबाइल डिवाइस का क्या होता है, उसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम iOS के नाम से जानते हैं। देखिए iOS, गूगल एंड्रॉयड, ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज ब्राउजर, गेम्स, ऑफिस टूल एक्सेट्रा आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। सभी जानते हैं स्टार्ट करने के लिए हमको CPU बटन को उससे पहले स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर CPU बटन को ऑन करना पड़ता है। ये देखिए पावर बटन होता है CPU में, जिससे आपको कंप्यूटर ऑन होता है। बेसिक फंक्शन परफॉर्म व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट,
जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जस्ट वी गो आउट आवर मॉर्निंग रूटीन विदाउट एनीवन टेलिंग अस व्हाट टू डू, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड बायोस। बायोस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारी एक टू डू लिस्ट होती है, एक डिसिप्लिन होता है कि मॉर्निंग में उठते ही हमें ये काम करने हैं। वैसे कंप्यूटर भी जानता है कि जैसे ही मेरा बटन स्विच ऑन हो जाएगा वैसे मुझे क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है। उस प्रोसेसिंग को करने के लिए बायोस क्या करता है, इसको हेल्प करता है। द बायोस फर्स्ट डज द सेल्फ टेस्ट। इफ द सेल्फ टेस्ट शोज द सिस्टम इज फाइन, द बायोस विल लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जाम्पल Ubuntu इज नाउ रेडी टू टेक यूजर इनपुट्स। ये सबसे पहले होता है ना, आप देखते हैं घर में जो सबसे पहले जो मेन मेंबर होता है वो सबसे पहले घर को जब सुबह सबसे पहले उठता है तो वो देखता है कि सारी चीज़ें कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर है नहीं है तो वो क्या करता है, उनको कंफर्टेबल करता है और सबको रूटीन में लाता है। वैसे ही बायोस भी क्या करता है, कंप्यूटर को गेट रेडी करता है अपने काम को करने के लिए। जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है तब वो क्या करता है, इनपुट डालता है। लॉग इन लॉग आउट सबको पता है, लॉग इन क्या होता है, आप पासवर्ड डालते हैं तो कंप्यूटर लॉग इन करता है, लॉग आउट करते समय आपको लॉग आउट बटन पे क्लिक करना पड़ता है। और जिससे ऑथराइज्ड है वो पर्सन, जिस पर्सन से ऑथराइज है कंप्यूटर उसी से लॉग आउट होता है। अब आते हैं हम लोग सेटिंग डाउन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे शट डाउन होता है, पावर बटन को हम जब स्विच ऑफ करते हैं तो कंप्यूटर भी शट डाउन हो जाता है। ठीक, या फिर आप देखिएगा नीचे शट डाउन का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी होता है। यूजिंग ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिएगा बाहर से इस तरीके से दिखता है कीबोर्ड। इसमें देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होते हैं F से रिलेटेड, F1, F2, F2, F3, 11 तक जो चीज़ें F की होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की। कमांड की क्या होता है, जो कमांड करता है। नेविगेशन की क्या होता है, आपका नेविगेशंस करते हैं। न्यूमेरिकल की, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। नेविगेशंस की में आप लोगों के क्या होते हैं, इक्वल्स टू, ये सारे साइंस होते हैं। पंक्चुएशंस में आपके सिंबल्स होते हैं। ठीक है, विंडो की होता है ये, जिससे आप फोन जैसे ऐसे स्क्वायर टाइप का बना हुआ होता है ना विंडो की, जिससे आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हैं। कंट्रोल की होता है आपका CTRL, जो लिखा हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल की। ये सारी चीज़ें पता ही हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन ऑफ की, तो F1 to F12 आर फंक्शन की। ये फंक्शन कीज होते हैं, मैंने बताया, यू यूज देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देयर फंक्शंस डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। द फंक्शन ऑफ F1 की इज मोस्ट प्रोग्राम इज टू गेट हेल्प ऑन दैट प्रोग्राम। सम कीबोर्ड्स में हैव फ्यूअर फंक्शन की। कंट्रोल कीज क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला ना CTRL होता है, शिफ्ट होता है, स्पेस बार होता है, ऑल्ट होता है, कैप्स लॉक और टैब। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कंट्रोल की होती हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। CTRL, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, ये और टैब, ये क्या कहलाती है, कंट्रोल की। एंटर की पता ही है, एंटर और रिटर्न, ठीक है ना। एंटर और रिटर्न मतलब बैक स्पेस आप क्या कह सकते हैं, एंटर की होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग पंक्चुएशंस की, में आपको पता ही है कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रॉफीज, ये सारी चीज़ें, सिंगल अपोस्ट्रॉफीज, डबल अपोस्ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें। नेविगेशन पेज अप एंड डाउन जो होता है वो क्या होता है, नेविगेशन कीज होता है। द होम एंड द एंड की, मूव द कर्सर टू लेफ्ट एंड राइट, ये सारे क्या होते हैं, नेविगेशन कीज होते हैं। यूजिंग अ माउस। माउस में देखिएगा दो क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक से आप कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं और राइट क्लिक से स्पेसिफिक, जैसे आपको फाइल फोल्डर ये सेविंग करना हो तो ये सारी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होता है, राइट क्लिक का यूज किया जाता है। यूजिंग अ माउस, देखिए यहाँ पे माउस इस तरीके से होता है, इसमें लेफ्ट क्लिक होता है, स्क्रॉल बार होता है, राइट क्लिक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। पॉइंट और क्लिक के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। लेफ्ट क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्लिक से हम माउस जो कर्सर होता है उसको अप डाउन कर सकते हैं। राइट क्लिक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे सेव के लिए, रीनेम के लिए, फाइल फोल्डर क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए, ड्रैग ड्रॉप करने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे होगा
ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, ड्रैग का मतलब आपने ड्रैग किया, ड्रॉप किया। डबल क्लिक, डबल क्लिक मतलब जो स्क्रॉल बार है ना उसमें दोनों लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स को आपको यूज करना पड़ेगा डबल क्लिक के लिए। बेसिक फाइल ऑपरेशन में देखिए फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर से क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनी इफ एनी इन एनी स्कूल ईच टीचर हैज़ अ सेपरेट कैबिनेट एट सोन इन, देखिए हर एक टीचर का या आपके भी घर में अगर आप सिबलिंग्स हैं दो तीन तो क्या होता है हर एक का क्या होता है ड्रॉयर्स अलग अलग होते हैं या स्पेस अलग अलग होते हैं। ड्रॉयर्स नहीं है तो सबको अपना अलग अलग जगह पर कपड़े रखने पड़ते हैं तो अपने सामान रखने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से जो फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं वो स्पेस होता है जहाँ पे कंप्यूटर भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखता है। इन एनी स्कूल द टीचर हैज़ अ सेपरेट कैबिनेट एट सोन इन फिगर 3.13 वेयर दे कीप द फाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट और क्लासेस सेपरेट सेल्फ। सिमिलरली इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। आपको पता है इसी तरीके से कंप्यूटर भी अपने स्टोरेज को अपने इंफॉर्मेशन को क्या अपने सामान को फाइल्स और फोल्डर्स में रखता है। All information stored in computer is kept in the files. Different types of files store, जैसे कि files आप देखते होंगे आपका book shelf में books रहती है, cloth shelf में cloth रहता है, shoe shelf में shoes रहते हैं, वैसे ही computer में अलग अलग drives होते हैं, drive A, B, C, D. तो उसमें हम लोग folder create कर देते हैं। folder जैसे कि कोई folder मान लीजिए कि class 10 से related है, कोई folder class 11 से related है, कोई मार्क्स से रिलेटेड है, कोई फीस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से फोल्डर में ही हम लोग जो स्टोरेज करते हैं उसको हम लोग फाइल्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ईच फाइल इज गिवन द फाइल नेम। अब सबको क्या किया जाता है फाइल नेम किया जाता है। जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं ना बच्चों तो नेम का ऑप्शन आता है तो वहाँ से आप नेम पुट कर सकते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन द आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई द पीरियड और अ डॉट। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल नेहा क्रिएटेड यूजिंग नोट पैड अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू क्रिएट सिंपल टेक्स्ट फाइल। तो जब हम लोग नोट पैड में कोई स्टोरेज करते हैं तो उसका देखिए इस तरीके से डॉट टीएक्सटी आता है। ऐसे ही जब हम लोग कोई इमेज यूज करते हैं तो जेपीजी आता है। ऐसे ही हम लोग कोई साउंड जैसे ऑडियो प्लेयर करते हैं तो MP3 आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा यहीं से उठा करके पिछले साल दे दिया गया था कि फोल्डर क्या है। फोल्डर एक लोकेशन है वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्स। आपके पास चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्या था लोकेशन था, तो लोकेशन वहाँ पर टिक मार्क करना था। क्रिएटिंग अ फाइल, फाइल क्रिएट का यहाँ पे व्हेन अ स्टूडेंट नेहा ज्वाइन अ क्लास अ टीचर क्रिएट्स अ फाइल ऑन द कंप्यूटर टू स्टोर नेहाज इंफॉर्मेशन सच एज नेम एड्रेस फोन नंबर। लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग टेक्स्ट एडिटर इन उबंटू। टू ओपन द टेक्स्ट एडिटर टाइप एडिटर इन द सर्च डायलॉग बॉक्स देन डबल क्लिक द टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन एज सोन इन फिगर 3.14 एंड 3.15। दिस विल ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अभी अगर मैं बैक करूंगी बच्चों तो अभी मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाएगा। अगर आपके पास पीसी है तो आप उसमें देख सकते हैं। इसका सेव ऑप्शन रहता है, सेव ऑप्शन से आप देख सकते हैं। इस तरीके से Ubuntu खुलता है और यहाँ से क्या होता है फाइल क्रिएट होते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर, फोल्डर के लिए दो यूज़ हैं। एक आप माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं, दूसरा फोल्डर ऑप्शन ले सकते हैं। फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्स। वी कैन क्रिएट अ फोल्डर वेयर ऑल द फाइल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर, ठीक है ना। टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर इन Ubuntu क्लिक फाइल्स ऑप्शन ऑन द लेफ्ट एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पे फाइल ऑप्शन होगा ना, ये देखिए फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन क्या करना पड़ेगा हम लोग को देखना पड़ेगा। चूज अ लोकेशन वेयर द फोल्डर हैज टू बी क्रिएटेड। फाइल एक्सप्लोरर ओपन्स अप शोन इन फिगर 3.18 ये है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ये फोल्डर्स खुल गए। चूज अ लोकेशन वेयर द फोल्डर हैज टू बी क्रिएटेड। जैसे कि हम लोग अब डेस्कटॉप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ से डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। राइट क्लिक एंड देन चूज द न्यू फोल्डर। यहाँ पे हमको माउस से राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर
चूज करना पड़ेगा। टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। राइट क्लिक द डेस्कटॉप एंड क्लिक द न्यू फोल्डर। उसके बाद नेम आपको यहाँ पे जो भी नेम रखना चाहते हैं वो नेम रख दीजिएगा, उसके बाद सेव कर लीजिएगा। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, जैसे कि हमको हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है वैसे कंप्यूटर की भी केयर करनी पड़ती है। किस तरीके से? टेकिंग केयर ऑफ आवर थिंग्स वेदर इट्स आवर बुक क्लोथ फर्नीचर गैजेट्स इज इम्पॉर्टेंट। टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इम्पॉर्टेंट है। अ कंप्यूटर इज अ डेलिकेट मशीन विथ लॉट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डस्ट एंड डैमेज। इसीलिए हमेशा कंप्यूटर को कभी भी धूप में नहीं ले जाना चाहिए। उसके लिए एक एसी इन्वायरमेंट चाहिए, ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए, रूम टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा हीटिंग में भी क्या होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब हो सकता है। दूसरा, उस पर अगर डस्ट जम जाती है तो वो काम करना बंद कर देता है या फिर स्लो हो जाता है। कंप्यूटर और मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। व्हेन वी टेक गुड केयर ऑफ देम ऑन अ रेगुलर बेसिस वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। दिस विल हेल्प अस टू सेव मनी एज वी डू नॉट नीड टू बाई न्यू डिवाइसेस टू ऑफन। अगर हम अपना ध्यान रखते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से डिवाइसेस का भी ध्यान रखेंगे तो हमें बार बार चीज़ों को खरीदना नहीं पड़ेगा। बेसिक ट्रिक्स फॉर टेकिंग केयर क्या क्या है? कीबोर्ड, सबसे पहले हम लोगों को देखें यहाँ पे ब्रश अप कर रहे हैं, ब्रश से हम लोग क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। स्क्रीन, यू कैन वाइप द स्क्रीन विद सॉफ्ट क्लोथ टू रिमूव फिंगर मार्क्स। ठीक, बी केयर विथ फूड एंड ड्रिंक्स। कंप्यूटर के पास कभी भी बैठ के खाना और पीना, बीवरेज भी नहीं लेना चाहिए और खाना भी नहीं खाना। आजकल की स्टाइल है बच्चों की, खाना खाते समय भी उनको लैपटॉप चाहिए होता है, बिना लैपटॉप देखे उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो एक्चुअली डाइजेशन पिल्स का काम करता है। नहीं, यहाँ पर देख लीजिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका डिवाइस बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हैंडल डिवाइस केयरफुली, ऐसा नहीं कि मुंह मरोड़ के उसको यूज़ कर लिया, गुस्से में मारा, उठा के पटक दिया, फेंक दिया। ठीक, ऐसा नहीं, बी पोलाइट। आपका गुस्सा है तो जब आप काम डाउन हो जाइए तब अपना डिवाइस ओपन करें, नहीं तो बहुत लोग अपना गुस्सा कंप्यूटर पे निकाल देते हैं। ठीक, बेचारा निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स। कीप द कंप्यूटर कूल, हमने कहा पहले ही बोला कंप्यूटर को ज़्यादा देर तक ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर आप को बहुत ऐसा काम है जिसको आपको करना ही है 12 hours 13 hours, तो बीच में ब्रेक दे दे के करिए जिससे कि कंप्यूटर कूल रहे। ओवरहीटेड होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला वायरस होता है, उसका शॉर्ट सर्किट होने का प्रॉब्लम होता है। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। हमेशा क्या, अगर आपका 95% बैटरी चार्ज हो जा रहा है तो उसी समय रिमूव कर लीजिए। बहुत लोग सारी रात रात बैटरी चार्ज करने, बोले आप सो जा रहे हो जाएगा, नहीं, आप जब जग रहे हैं उसी समय बैटरी को चार्ज करिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, क्योंकि ओवरहीटिंग से क्या होता है डिवाइस आपके ख़राब हो जाते हैं। रिपेयर द मेंटेनेंस शेड्यूल, डेली मेंटेनेंस, क्लीन अप योर ईमेल एंड इनबॉक्स, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर। कैसे होता है, वी नीड अ प्रिपेयर अ प्लान फॉर शेड्यूल अ मेंटेनेंस टू कीप कंप्यूटर रनिंग इन अ परफेक्ट। जैसे आप देखते हैं कभी कभी जंक फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एंड्रॉयड या लैपटॉप में, तो हमें रेगुलर बेसिस पे क्या क्या स्टेप्स करना चाहिए वो लिखा हुआ है। डेली मेंटेनेंस में क्या होता है कि जैसे बहुत लोगों को ईमेल या मैसेजेस के काम होते हैं, तो जो अननेसेसरी मैसेज है उसको रिमूव, रिसाइकल बिन में डाल देना चाहिए। और जैसे अटैचमेंट वाले जो हैं तो उसको आप फोल्डर या गूगल ड्राइव या आप अपने ड्राइव में सेव कर लीजिए और उसके बाद डिलीट कर दीजिए। और वीकली मेंटेनेंस में क्लीन योर ब्रश अप कर दीजिए कीबोर्ड को, ब्रश करने से उसमें जो डस्ट है वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। डस्ट सीपीयू एंड प्रिंटर, सीपीयू और प्रिंटर को झाड़ देना चाहिए जिसमें उसमें डस्ट नहीं हो। हमेशा कोई बेस रखना चाहिए, उसके ऊपर ही सीपीयू रखना चाहिए, नीचे ज़मीन पे कभी भी सीपीयू नहीं रखना चाहिए। बैकअप योर डाटा टू द एक्सटर्नल ड्राइव। मंथली मेंटेनेंस में ट्रांसफ़र फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। हमेशा जैसे एंड्रॉयड में बहुत सारे हम लोगों की आज सेल्फी खींचने की आदत होती है, एक एक मूवमेंट की सेल्फी खींची जाती है, उससे क्या होता है डेटा बढ़ जाता है, तो उसको क्या करिए पेन ड्राइव में या कंप्यूटर के ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको स्पेसियस करिए।
organize photos into folder or albums, clean up download folder, uninstall unused program and apps, run, ये सब आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हमेशा एंटीवायरस हमेशा रखिएगा। एंटीवायरस नहीं रखने से, ट्रोजन हॉर्सेस की वजह से क्या होता है, वायरस बहुत जल्दी फैलता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर डिवाइस को नष्ट कर देता है। बैकअप योर डाटा, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस, इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आप हमेशा जितना देखते हैं ना कि जब जैसे आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, वैसे कंप्यूटर का डिटॉक्स स्कैनिंग और वायरस फ्री होने की वजह से होती है। वो जितना वायरस फ्री होगा, जितना जंक फाइल से अलग होगा, छूटेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, स्मूथ रनिंग करेगा। सेशन 4 क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर अगर हम लोग लेते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वी स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, वी कीप आवर फोटोज ऑन आवर मोबाइल, स्कूल कंप्यूटर स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। कंप्यूटर यूज इन बैंक स्टोर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर ये गलत हाथों में लग जाएगा तो इससे क्या होता है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए अपने कंप्यूटर के डिवाइस और डेटा का क्या करना चाहिए, हमेशा प्राइवेसी रखना चाहिए, सिक्योरिटी रखना चाहिए। इसीलिए टाइम टाइम पे अपने पासवर्ड चेंज करने चाहिए। लिखते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से हम सिक्योरिटी रखते हैं। रीज़न फॉर सिक्योरिटी ब्रेक, सिक्योरिटी ब्रेक इज़ द लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जैसे ही आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड कोई जानता है तो वो क्या करता है, आपका गलत यूज़ करता है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वेज। दो वजह से हमेशा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन लीक होती है। पहला वजह, वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, वी शेयर आवर अकाउंट डिटेल एंड पासवर्ड ऑन अनसिक्योर साइट। जैसे ही किसी ने बोला कि आपको इतना पैसा ये गेम के लिए मिल जाएगा, हम तुरंत अपना अकाउंट डिटेल दे देते हैं। वी वेयर ऑफ दैट, डोंट गिव योर अकाउंट डिटेल, IFSC कोड और एनीथिंग, UPI ID टू एनी अननोन पर्सन। अ पर्सन गेट अनऑथराइज एक्सेस टू आवर कंप्यूटर, दिस कैन हैपन इन द ऑफिस इफ वी लीव आवर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग ऑन। हमेशा याद रखिए, आजकल ट्रेंड है फेसबुक चलाने का, ऑफिस में कंप्यूटर चलाने का, तो हम क्या करते हैं, लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो हमेशा टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमेशा क्या करिए, लॉग आउट करिएगा। जैसे ही आप कंप्यूटर से चले जाइएगा, ऑफिस छोड़ के जाइएगा, अपने कंप्यूटर को जब शट डाउन करते हैं, लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, तो हमेशा लॉग इन आउट करिए। चाहे फेसबुक चलाते हैं, चाहे इंस्टा चलाते हैं, तो लॉग आउट करना नहीं भूलेगा। अदरवाइज अनऑथराइज पर्सन क्या करेगा, आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है थ्रीट्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरीके से थ्रीट्स होता है, थ्रीट्स क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्रीट्स, व्हाट आर द थ्रीट्स। थ्रीट्स आर द वेज इन विच पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। थ्रीट्स क्या है, एक तरीके का इन्फॉर्मेशन लीकेज है। कैसे होता है, थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ हार्डवेयर। दिस में बी थ्री टाइप्स, फिजिकल आइडेंटिटी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है ना, फिजिकल क्या होता है, वेयर द पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। वो तो जैसे चोर चुरा के ले गया आपका कंप्यूटर, CPU उठा के ले गया, प्रिंटर उठा के ले गया, ये सारी चीज़ें फिजिकल हैं। आइडेंटिटी क्या है, जब हैकर्स आप लोगों का इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, चुरा लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अनलाइसेंस एंड अनऑथराइज कॉपीज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मान लीजिए आप सस्ते के चक्कर में कोई सस्ता सा सॉफ्टवेयर आपने डलवाया, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर आपने डलवाया कंप्यूटर में, बोले बहुत सस्ता है भाई, लेकिन आपको पता है डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लोग क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर का एक्सेस कर लेते हैं। आपने जो भी डाटा टैली में डाला है अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे स्टोर, मतलब स्टील हो जाएंगे जो आपने उसमें स्टोर किए हुए हैं। वायरस दूसरा, एक तो थेफ्ट हो गया। थेफ्ट तीन तरीके का होता है, फिजिकल, आइडेंटिटी और सॉफ्टवेयर। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया। दूसरा होता है वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस आज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज द डेटा। ये आपको सभी को पता है, वॉर्म्स, वायरस भी बहुत तरीके के होते हैं। वॉर्म्स क्या है,
कीड़ा नहीं है, ये वॉर्म्स दूसरी चीज होती है, ठीक है। दीज आर द वायरसेस दैट रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर, दिस मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। जैसे कि आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं अगर, तो मम्मी जब तक आपको दवाई नहीं पिलाएगी तब तक वो कीड़े मरेंगे नहीं, ठीक है ना। वो कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन एक बार आपके कंप्यूटर में अगर वायरस घुस गया ना बच्चों, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अननेसेसरी लिंक पे कभी भी क्लिक मत करिएगा। अब आते हैं जिसका मैं बार बार नाम लेती हूँ, ट्रोजन हॉर्सेस का। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होता है कि जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि फास्ट फूड्स होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे पानी पूरी, बर्गर, समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, पिज़्ज़ा देखने से ही उसको खाने का मन ललचाता है, नहीं जी ललचाए रहा ना जाए, तो इसी तरह उसको खाते हैं, तो फिर वो पेट में जा कर के क्या करता है, आपके सारे फंक्शंस को क्या कर देता है, एकदम बेकार करके रख देता है। धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन का काम करता है और आपकी बॉडी में इस तरीके से हिल मिल जाता है दोस्त की तरह, कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही उसके कब्जे में आ जाती है और तरह तरह के रोगों का शिकार हो जाती है। तो ऐसे ही ट्रोजन हॉर्सेस भी होता है। ट्रोजन हॉर्सेस अपने चेहरे को छुपा करके, एक सुंदर सा चेहरा बना करके आपके सामने आता है। वो किसी साइट के वेबसाइट के रूप में होता है, किसी हाइपरलिंक के रूप में होता है, किसी गेमिंग ऐप के रूप में होता है। तो जब आप उससे अट्रैक्ट होते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर में घुसते ही क्या कर देता है, पूरी ऐसा क्रॉनिक डिजीज ला देता है, इतना तहलका मचा देता है कि चाह करके भी आप उसको हटा नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे आपका डेटा स्लो पॉइजन की वजह से क्या होता है, ख़त्म होता जाता है। देखिए हैव अ लुक, अ ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइजेस इटसेल्फ, इट अपीयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बट वंस इट रीचेस अ कंप्यूटर इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा। ऑनलाइन प्रीडेटर क्या होता है? ऑनलाइन प्रीडेटर पीपल है जो एक तरीके से ट्रैप क्रिएट करते हैं। मैंने जामताना का एग्जांपल अपने वीडियो में बताया था आपको, जब हम लोगों ने रिस्क ऑफ इंटरनेट बैंकिंग पढ़ा था वहाँ पर। तो क्या है, ऑनलाइन प्रीडेटर आर पीपल हु ट्रैप यू इनटू द इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, दे मे बी ओल्डर पीपल पोजिंग टू बी योर एज, बुलिंग यू इनटू डूइंग इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड समटाइम्स फेस टू फेस। ऑनलाइन प्रीडेटर क्या होते हैं, आपसे खराब काम करवाते हैं, ठीक है ना, आपको बुलिंग करते हैं, आपके साथ रैगिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को साइबर क्राइम में नाम दे देना चाहिए या फिर उस साइट को ब्लॉक कर देना चाहिए। कभी भी आप डरिए मत, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, एक रीज़न होता है, एक सपोर्टिव ऐप्स होता है, एक सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो वो सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइबर क्राइम में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़ भी में भी आ जाते हैं। इंटरनेट स्कैम सबको पता है। इंटरनेट स्कैम क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा पैसा लॉटरी में लगाते हैं, एक तरीके का गैम्बलिंग होता है इंटरनेट स्कैम, ठीक है। समटाइम्स यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर सेइंग यू हैव वन अ ह्यूज मनी, तो आपके पास आता है ना मैसेज कि आपको आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आप गेम में 2 करोड़ रुपए जीत गए हैं, आप जुप्पी में इतना रुपए जीत गए हैं, ठीक है ना, कनारा बैंक में या फिर SBI बैंक में आपके अकाउंट को सेलेक्ट करा गया है टू बी मोस्ट क्रेडिटवर्दी अकाउंट होल्डर ऑफ द ईयर, इसके लिए आपको इतना प्राइस दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट स्कैम्स है, इससे बीवेयर होके रहिए। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, यूज पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। पासवर्ड ऐसा नहीं हो कि आपका मोबाइल नंबर हो या नेम हो, ये सब पासवर्ड मत रखिएगा। पासवर्ड यूनिक होना चाहिए, उसमें अल्फा न्यूमेरिकल कोड यूज़ होना चाहिए और आपका हैशटैग सिंबल्स चाहे @%, %, comma, colon कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल एंटी वायरस एंड फायरवॉल, ये क्या करते हैं, वायरस अटैक से बचाते हैं आपके कंप्यूटर को। इनक्रिप्ट डाटा, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना इनक्रिप्टेड डेटा यूज़ करना चाहिए कि वो प्राइवेसी को मेंटेन रखे, वो किसी के साथ, किसी के सामने या किसी अनऑथराइज पर्सन के साथ रिवील नहीं हो पाए।
सिक्योर साइट। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी साइट ओपन करिएगा तो सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उसमें कोई स्कैम तो नहीं है। सर्च करने के बाद ही उस पर क्लिक करिएगा। एज सून एज यू क्लिक ऑन द साइट और द हाइपर लिंक, इट विल स्टार्ट रनिंग। तो उस सब जब आप प्रोसेसिंग कर देते हैं ना, तो उसके बाद उसको रिकवर करना इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पॉसिबल है। बोलते हैं ना कि सबसे पहले जब हम लोग किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही चीज़ यहाँ भी है। ये था ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में आपको मैं बता दूँ, फाइल्स एंड फोल्डर अच्छे से पढ़िएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़िएगा, और एंटीवायरस कितने तरीके के होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस किसे कहते हैं, वॉर्म्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों अच्छे से पढ़िएगा। एक बार जैसे सिक्योर साइट्स जैसे आपको दे दिया है, गिव डिटेल्स ऑन योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। आप हमेशा सबको ये बताते नहीं फिरिएगा कि मेरा बैंक अकाउंट इतना है, मैंने लॉट। हमेशा प्राइवेसी रखिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके बहुत नज़दीक हैं उन्हीं से अपनी चीज़ों को रिवील करिए। अपने आप को बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे रिवील मत करिएगा, क्योंकि अगर जो भी आपको देखेगा कि आपके पास इतना पैसा है, आपने ये किया है वो किया है, तो डेफिनेटली वो क्या कोशिश करेगा, आपके चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और वहीं पे आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। क्या ज़रूरत है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसको क्या करेंगे, हम लोग तहे दिल से उसको शुक्रिया करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही बोलने के साथ मैं क्या करूँगी, इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।